हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम एसएससी जेई एग्ज़ाम 2016 का सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7909065661 पे मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए लूज यूनिफॉर्म सैंड विथ राउंडेड ग्रेन्स हैज़ इफेक्टिव ग्रेन साइज ऑफ 0.05 सेंटीमीटर, कॉफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सैंड इज। कॉफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो अकॉर्डिंग टू एलन हैजन फार्मूला होता है के इक्वल टू सी डी 10 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सी जो है सेफ कांस्टेंट है और डी 10 जो है इफेक्टिव ग्रेन साइज है, हम सेंटीमीटर में लेंगे। सी का वैल्यू हम एडॉप्ट करते हैं 100 और डी 10 जो है यहाँ पे दिया है 0.05, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ऑप्शन ए है ग्रेन साइज ऑफ द सॉइल, तो ग्रेन साइज अफेक्ट करता है बियरिंग कैपेसिटी, करेक्ट है। ऑप्शन बी है सेप ऑफ फुटिंग, सेप भी जो है इफेक्ट करता है बियरिंग कैपेसिटी। ऑप्शन डी है साइज ऑफ फुटिंग, तो इन तीनों पे डिपेंड करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टू क्राइटेरिया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन आर। तो एलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी जो है फाउंडेशन जो है डिटरमाइन करते हैं सेटलमेंट क्राइटेरिया, सीयर क्राइटेरिया, लोकेशन एंड डेप्थ क्राइटेरिया। तो ऑप्शन डी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीयर फेल्योर एंड सेटलमेंट क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वॉइड रेशियो फॉर सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू डैश ऑफ वाटर कॉन्ट्रिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। तो एस ई इक्वल टू होता है डब्ल्यू जी, सेचुरेटेड सॉइल का एस जो है 1 होगा, तो ई इक्वल टू हो गया, वॉइड रेशियो हो गया डब्ल्यू इंटू जी, तो प्रोडक्ट है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ वाटर कॉन्टेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज। ऑप्शन ए है सेम फॉर क्ले एंड सैंड, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, क्ले का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होता है और सैंड का कम होता है, और सिल्ट का जो है इन बिटवीन होता है, क्ले और सैंड के बीच होता है। ऑप्शन बी है डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट इनकरेक्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है बोल रहा है फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं हाइड्रोमीटर से। ऑप्शन सी है लेस देन 2:4 मोस्ट सॉइल, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, मोस्ट सॉइल का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेंसिटी इंडेक्स फॉर अ नेचुरल सॉइल इज यूज टू एक्सप्रेस। ऑप्शन है परसेंटेज वॉइड्स, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले, स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स को हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी होता है ई मैक्स माइनस ई, ई जो है वॉइड रेशियो नेचुरल सॉइल का है, बाय ई मैक्स माइनस ई मीन इनटू 100। तो ये जो है एक्सप्रेस करता है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉफिशियंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर फॉर कोहेजन लेस ग्रेनुलर सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो पेसिव जो है कॉफिशियंट ऑफ पेसिव अर्थ प्रेशर जो है होता है 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। एक्टिव अर्थ प्रेशर कॉफिशियंट क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पेसिव अर्थ कॉफिशियंट जो है हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्मिटी कॉफिशियंट ऑफ फिल्टर सैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय। यूनिफॉर्मिटी कॉफिशियंट सी यू क्या होता है, D60/D10, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल मास इज 20% एंड इट्स प्लास्टिक लिमिट इज 25%, देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, WL - WP, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। यहाँ पे जो है लिक्विड लिमिट 20% दिया हुआ है और प्लास्टिक लिमिट जो है 25% है, तो 20 - 25 जो है इक्वल टू हो गया -5। तो IP जो है
प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है आ रहा है माइनस में, निगेटिव आ रहा है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है कैन नेवर बी निगेटिव वैल्यू। तो हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है आईपी लेंगे, जीरो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 60%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ 35%, श्रिंकेज लिमिट ऑफ 20% एंड इट्स हैज अ नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 50%, व्हाट इज़ द लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल। तो लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, डब्ल्यू एन नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस जो है डब्ल्यू पी प्लास्टिक लिमिट बाय डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी जो इक्वल टू होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे जो है नेचुरल वाटर कंटेंट 50% दिया हुआ है और प्लास्टिक लिमिट जो है यहाँ पे 35% है, बाय हो गया लिक्विड लिमिट जो है यहाँ पे 60% है और प्लास्टिक लिमिट 35% है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है 0.6 आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ द पोर्स ऑफ अ सॉइल आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली, सॉइल इज सेड टू बी, ऑप्शन है वेट सॉइल, फुली सैचुरेटेड सॉइल, ड्राई सॉइल, पार्सली सैचुरेटेड सॉइल। तो कह रहा है वॉइड जो है फुल्ली कम्प्लीटली फुल ऑफ एयर है ओनली, तो ये जो है सॉइल हो गया ड्राई सॉइल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ड्राई सॉइल। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस सॉइल सैंपल हैज अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.5 एंड इट्स पोरोसिटी विल बी क्लोज टू। तो पोरोसिटी कितना हो जाएगा, वॉइड रेशियो 0.5 दिया है, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में रिलेशन होता है ई इक्वल टू एन बाय वन माइनस एन, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन इक्वल टू ई बाय वन प्लस ई। तो यहाँ पे जो है ई दिया हुआ है, वॉइड रेशियो दिया हुआ है 0.5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू आ जाएगा 0.33, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, 33%। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो सॉइल सॉइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट एंड इट्स नेचुरल वॉइड रेशियो ई टू द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट एंड फुल्ली डेंस स्टेट। लूजेस्ट हो गया ई मैक्स वॉइड रेशियो एंड फुल्ली डेंस ई मीन हो गया स्टेट इज जनरली टर्म रेज। तो ऑप्शन ए दिया है डिग्री ऑफ डेंसिटी रिलेटिविटी, ऑप्शन सी है डेंसिटी इंडेक्स। तो इसको इस रेशियो को हम जो है इन तीनों टर्म में जो है इंडिकेट बोलते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये सारे जो है सेम चीज़ है, डिग्री ऑफ डेंसिटी रिलेटिविटी डेंसिटी इंडेक्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है द वॉइड स्पेस बिटवीन द सॉइल ग्रेन्स इज फील्ड पार्शियली विथ एयर एंड पार्शली विथ वाटर। तो वॉइड स्पेस जो है बिटवीन सॉइल जो है ग्रेन्स इन फील्ड पार्शली विथ एयर एंड पार्शली विथ वाटर हो सकता है, करेक्ट है। ऑप्शन बी है इन परफेक्टली सैचुरेटेड सॉइल द वॉइड आर कम्प्लीटली फील्ड। तो सैचुरेटेड सॉइल में जो है वॉइड कम्प्लीटली फील्ड होता है वाटर से, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है इन ड्राई सॉइल द वॉइड आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ एयर। तो ड्राई सॉइल में जो है वॉइड जो होता है सिर्फ एयर होता है, वाटर नहीं होता है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट।